हेलो एवरीवन, आई एम विवेक एंड एज यू ऑल नो वी आर डूइंग राइटिंग स्किल सीरीज। हियर वी हैव सीन अर्लियर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड हियर वी आर सीइंग फॉर्मल लेटर राइटिंग, मीन्स हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू डिडंट वॉच फॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर्मेट, सो विजिट द लिंक given in description and watch that video first. Then here you will be able to understand how to write a formal letter. So let's start this video. Here we will discuss how to write a formal letter through an example. यहाँ मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें एक तरफ से कि कैसे formal letter write करना है इस example के through। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू द SHO ऑफ योर जोन कंप्लेनिंग अगेंस्ट सम सस्पिशियस लुकिंग पर्सन बीइंग साइटेड इन योर एरिया, यू आर दिशा ऑफ दुर्गा विहार कॉलोनी दिल्ली। सो यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू द SHO ऑफ योर जोन। ठीक है, आपको अपने जोन के SHO को एक लेटर राइट करना है कि आपके आसपास कुछ सस्पिशियस लोग देख रहे हैं आपको, जो आपकी लोकेलिटी में पहले कभी नहीं देखे गए हैं। एंड यहाँ आपका नाम भी दिया हुआ है कि आपका नाम क्या होगा एंड आपका एड्रेस भी दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने लेटर राइटिंग फॉर्मेट में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे अपने को लेटर राइट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होता है, यानी कि पर्सन हु इज़ राइटिंग द लेटर। मीन्स अगर आप लेटर राइट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको अपना एड्रेस डालना है, जैसा कि हमें अपने क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है। सो फर्स्ट वी हैव टू मेंशन आवर एड्रेस हियर, दुर्गा विहार कॉलोनी दिल्ली। सबसे पहले अपना एड्रेस मेंशन करिए, देन उसके नीचे एक लाइन का गैप छोड़ के लिखना है डेट। सो हमने डेट मेंशन किया October 5, 2022। सो सेंडर का एड्रेस, देन डेट। आफ्टर दैट रिसीवर का एड्रेस, फॉर्मल लेटर में सेंडर के एड्रेस के बाद डेट, डेट के बाद रिसीवर का एड्रेस पड़ता है। फॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर्मेट में हमने डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पर हम डालते हैं रिसीवर का एड्रेस, यानी कि जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं, जिसे सेंड करेंगे। द SHO ऑफिसर दुर्गा विहार कॉलोनी दिल्ली, ये हो गया रिसीवर का एड्रेस। देन अब चलते हैं मेन बॉडी ऑफ द लेटर पे। सो लेट्स टेक दिस थिंग हियर, सर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड द मूवमेंट ऑफ सम सस्पिशियस लुकिंग पीपल इन आवर लोकेलिटी। मीन्स यहाँ पर सर से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड द मूवमेंट ऑफ सम सस्पिशियस लुकिंग पीपल इन आवर लोकेलिटी, दीज मैन हैव नेवर बीन सीन इन आवर लोकेलिटी बिफोर। The residents of our locality fear that these people are antisocial elements. They may indulge in some big mischief or criminal activity. I hereby request you to personally look into this matter and take appropriate action at the earliest. Thank you. So, ये रहा हमारा main body. Okay? सैल्यूटेशन से हमने स्टार्ट किया सर से, ठीक है, या रिस्पेक्टेड सर भी आप यहाँ लिख सकते थे, इसके अकॉर्डिंग आपने स्टार्ट किया। देन यहाँ पर मेन बॉडी में हमने लिखा जो अपने को बात कहनी थी, उसको अपने यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद थैंक यू, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन आता है योर फेथफुली। ठीक है, फॉर्मल लेटर में हम फेथफुली लिख देते हैं, तो फेथफुली आया। उसके बाद और क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हमने पीछे बताया हुआ है। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को जरूर देखें एक बार, फॉर्मल लेटर से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स वहां से क्लियर हो जाएंगी, फिर इस एग्जांपल थ्रू आप बकायदा समझ सकते हैं। देन फेथफुली के बाद अपना नेम या सिग्नेचर, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका नेम है दिशा, तो आपने अपना नेम राइट किया। सो ये हमारा लेटर कंप्लीट हुआ। मैं इसे आपको कंप्लीट शो कर देता हूँ, ये देखिए, ये शिव दुर्गा विहार कॉलोनी से लेकर आपके नेम योर फेथफुली दिशा तक, ये हमारा फॉर्मल लेटर रहा। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।